लाहौर के इलाका डिफेंस फेस 8 में कैफे डाउनटाउन 99 का इफ्तिताह चेयरमैन आवाम पार्टी सोहेल जिया भट्ट, फिल्म स्टार जरी खान, चौधरी तारिक गुजर, मियां अब्दुल लतीफ ने किया। डिफेंस फेस 8 कैफे डाउनटाउन 99 के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मॉडल और अदाकारा आयशा चौधरी, शाहिद मिर्ज़ा, कबीर खान, डॉक्टर मारिया, शाहिद मुश्ताक, निदा जट, खुर्रम अली और इकरा रंधावा और दीगर अफराद ने शिरकत की। कैफे के इफ्तिताह के मौके पर शुरका ने लाहौर सिटी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज बड़ी खुशी हुई है कि फेस 8 में कैफे डाउनटाउन जो है उसकी ओपनिंग हो रही है। मुझे इस तरह लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में नहीं, लाहौर में नहीं, डिफेंस में नहीं, बल्कि मैं लग रहा है कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। ये चीज़ें उधर नज़र आती हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला आपके बिज़नेस को और रिज़क को इजाफा फरमाए। बहुत अच्छी काविश है और नौजवानों के साथ आपने ये अच्छा एक कदम उठाया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है देखकर, लोग यहाँ पर आ रहे हैं इंटरटेनमेंट के लिए। और थैंक गॉड, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं कि कोरोना जो है वो इस टाइम बहुत काबू उस पर पा लिया गया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग इस तरह से बाहर निकले हैं, थैंक गॉड। तो आई थिंक मैं कहती हूँ इस तरह की सेलिब्रेट्स होनी चाहिए, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि जो हमारी जो आवाम है, हमारे जो बहन भाई हैं, जब वो बच्चे हैं जो घरों में बैठे हैं, जो भाई घरों में बैठे हैं, उन वो बेचारे वो इस चीज़ को इंतज़ार करके कर करके कर 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 वो बेचारे इतने बोर हो चुके हैं कि उन लोगों को इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, तो आई एम वेरी ग्लैड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसकी फ़जल से, उसके करम से जो है हमने ये कैफ़े स्टार्ट किया है। तो हमारी ये बहुत देर से ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा काम करें, कुछ स्पेशलिटी हो और पाकिस्तान के अंदर हम अपने पाकिस्तानियों को अच्छा फूड कम पैसों में दे सकें। और हमारी कोशिश ये है कि अच्छा और सस्ता फूड जो हम जो है आवाम तक पहुँचाएँ और इंशाल्लाह डिफरेंट टेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। लड़कों की कोशिश है, मेरे साथ बहुत अच्छा स्टाफ है, बड़ी अच्छी कोशिश है। इंशाल्लाह हमारे कहने पे, सिर्फ एक दफ़ा हमारे कहने पे आएँ, बाद में अपनी मर्ज़ी, आपकी इंशाल्लाह टेस्ट आपको खुद लेकर आए। नहीं, हमारी जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन जो है, वो इस तरफ जा रही है, वो फास्ट फूड को पसंद कर रही है। बस इसी को देखते हुए जो है हमने और कोशिश ये की है कि फ़ास्ट फूड में भी हम मियार जो है मियार दें उसको, ना हेल्दी फूड दें। हमारा ये है कि जो हम पीछे उसके सोर्सेज वगैरह जो भी है वो ब्रांडेड इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह सेहत अफजा हो, यंग जनरेशन भी आएगी। अब तो हमारे जो है वो ओल्ड एज भी पसंद करते हैं, वो रच मच गया हमारी सोसाइटी में ना। इंशाल्लाह रेट बहुत हमने मुनासिब रखे हैं इसके, बिल्कुल एक आम रेस्टोरेंट की तरह के जो है ना हमने रेट्स रखे हैं। इंशाल्लाह यही मैंने हमने इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं सस्ता और अच्छा इंशाल्लाह हम फूड। ये हमारा ड्रीम था कि हम कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे, लाइक कोबॉय थीम देना चाह रहे थे, इस तरह का सेटअप बनाना चाह रहे थे। और हमारा फूड भी बहुत अच्छा है, इसमें हमारी बेवरेजेस, फूड, हमारी सोर्सेज बहुत अच्छी हैं जो आम जगहों पे नहीं मिलती। तो यही हमारी ख्वाहिश थी कि कम बजट में हम लोगों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें, लाइक हमारा फूड जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, टोटली हाइजेनिक फूड है और बहुत कम बजट में है, टेस्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है, हमारी थीम बहुत अच्छी है, टोटली कोबॉय थीम है, पाकिस्तान में कम ही जगहों पे ऐसी देखने को मिलती है। क्वालिटी फूड में हमारी स्टेक्स बहुत स्पेशल हैं, हमारी अपनी उसमें रेसिपीज़ हैं, उसके अलावा बेवरेजेस में हमारी अपनी